इतना ओवर रिएक्ट करते हैं ना लोग, ऐसे लुक्स देते हैं ना मुझे कि फेस पे ना टेंशन दे रहे हैं। I mean you can't deny कि डेंटिस्ट बहुत सुन के डर तो सबको लगता है। And I wonder why. I mean असली कल्प्रिट तो आई और रूट कनाल्स कैविटीज एंड एक्सट्रैक्शंस वी तो फिक्स देम आई गेस। सीम्स लाइक फॉर यू दिस होल अरेंज्ड मैरिज मीटिंग सेटअप इट्स फॉर द फर्स्ट टाइम। तुम्हें कैसे पता? इट्स जस्ट आई कैन सेंस इट। आई मीन देख के लगते हो अब फ्रेश इन द मार्केट टाइप्स। और तुम्हें काफी एक्सपीरियंस है आई एम गेसिंग। थैंक्स टू माय मॉम। इनफैक्ट उनकी लाइफ का एक ही मिशन है मेरी शादी हो जाए। क्लीशे ना। और तुम सबको रिजेक्ट करती रहती हो? रिजेक्ट होकर आती हूँ। ज्यादा पढ़ी लिखी हूँ, अपना मुंह भी खोलती हूँ। मोस्ट इंडियन मैन डोंट लाइक दिस कॉम्बिनेशन, पर अंदर ही अंदर खुश भी होती हूँ। Because I think I'm not ready for marriage yet. I understand. I mean, frankly, main bhi yahan sirf apni maasi ki wajah se hu. I mean, no one can beat her at emotional blackmailing. Chalo, good then. Ek aur rejection. Tum chaho to tum bhi mujhe reject kar sakti ho. There's no problem. No. I won't be allowed. So you can do the honors, please. But. Very good, right? You do know कि कुछ पर्सनल नहीं है, जस्ट ये शादी वादी सुन के डर लगता है। Of course. I've seen my parents, it can be quite bad. एक टाइम था जब अलार्म क्लॉक की जरूरत नहीं पड़ती थी। I would just wake up to the noise of them fighting. सुबह सुबह शुरू हो जाते थे। Sundays तो वो like torture. वो पूरा दिन जो घर पे रहते थे। My father, abusive man. मैं तो अपने रूम से नहीं निकलता, पता नहीं क्या देखने को मिल जाता। एक बार वो मॉम को ऐसे डॉग का कॉलर होता है ना, टुकड़ दुपट्टा है ऐसे टाई करके इतना मार रही थी उसे। अब तो काफी कुछ बदल गया है, मैं खुद के घर में रहता हूं तो बेडरूम से हॉल बिना डरे घूम सकता हूं। एनीवे व्हाट आई मेंट इज दिस इज नॉट अबाउट यू, इट्स जस्ट ये शादी शादी से हे सारा, आई एम सॉरी आज ज्यादा बोल दिया। यू मस्ट बी थिंकिंग आई एम सो वियर्ड। इट्स ओके एंड आर वी ऑल वियर्ड। हम बस नॉर्मल होने की एक्टिंग करते रहते हैं। आई डोंट नो मुझे हो क्या जाता है आजकल, कभी भी कुछ भी बोल देता हूं मैं। और यहां मैं खुद के लिए भी अपना मुंह नहीं खोल पाती। ट्रस्ट मी, आई थिंक यू आर स्टिल बेटर ऑफ। कल के बारे में बताया नहीं, कबीर कैसा था? सारा यार, मेरा मिल्कशेक का है। यहां पड़ा है, खुद आके ले लो। दे दो उसे। तुमसे कुछ पूछा है, जवाब दो। मुझे लगता है अब ये वाला भी वर्कआउट नहीं होगा। क्यों? ये तो मॉडर्न लड़का था सारा। हाँ पर वो एक और रिजेक्शन। लगता है दी तो सेंचुरी बनाएगी आराम से। सारा खुद को पूछा करो, क्या गलत हो रहा है, क्यों वर्कआउट नहीं हो रहा? गीता का रोका भी सेट हो गया। मैं तो बोलती रहती हूँ, सुनना किसी को है नहीं। थोड़ा सा भी डिले करोगी ना तो पता नहीं कितनी मुश्किल होगी बच्चा पैदा करने में। माँ, ही इज नॉट रेडी, ही हैज इश्यूज।
बाकी सब में इश्यूज है बेटा, सिर्फ तुम मिस परफेक्ट हो। कहानी क्या होगा तेरा। थैंक यू डॉक्टर। यू नो, काश मैं भी तुम्हारी तरह अपने खुद के घर में शिफ्ट हो सकती। सो फेड अप ऑफ माई मॉम, शी जस्ट डजंट लेट मी ब्रीद। हर वक्त मेरे पीछे रहती। बचपन से आई हैव बीन बर्डन बाय हर एक्सपेक्टेशंस और अब ये शादी का ऑब्सेशन। डोंट यू थिंक तुम्हें एक बार अपने मॉम के साथ अच्छे से बैठ के बात करनी चाहिए इसके बारे में? इतना ईजी नहीं है, या फिर गट्स नहीं है मुझ में। तुमने कभी अपने डैड को बोला है तुम उनके बारे में क्या सोचते हो? सारा, कुछ लोगों से बात करना ना दीवार पे सर पटकने जैसे होता है। कुछ भी करो, यू कांट फिक्स देम। नहीं नहीं नहीं, मुझे कुछ पता नहीं। नहीं यार, बहुत समय दे दिया तुम लोगों को। मुझे पूरे के पूरे पैसे कल तक चाहिए, पूरे। हाँ, शाम तक भेजो कल। चाचू, चाचू। हाय बेटे, कैसा है? मैं ठीक हूँ चाचू, ये आपके पैसे। बेटा एक ग्लास ड्रिंक तो ले ले। नो चाचू, आई एम गुड, यू कैरी ऑन। क्यों रे डरपोक, क्यों लड़की जैसा डरा डरा रहता है हमेशा? हाँ? कभी आवाज सुनिए खुद की, आवाज भी माँ जैसी है। खुद जैसा बना के रखा है तुझे, गंदी औरत। अच्छा हुआ मर गई साली। चाचू, क्या मुझे अपने पैसे वापस मिल सकते? आई डोंट थिंक, मैं अपनी मेहनत की कमाई इस आदमी पे वेस्ट करना चाहता हूं। क्या बोला तू? क्या बोला? पैसे वापस चाहिए तुझे, वापस चाहिए तुझे। चल निकल। जैसे ला पैसे दे। ये क्या किया आपने? चल जल्दी कर। सारा, बात सुन, प्रमिला का मैसेज आया है, कल डिनर पे बुलाया। रवि याद है? आई हेटेड हिम। एनीवे, वो मिलना चाहता है तो मिल लेना। पर मुझे नहीं मिलना उससे। और कोई ऑप्शन है? कैसे चलेगा ऐसे? एनीवे जल्दी से आ जाओ। हाँ, अक्षय बहुत थका हुआ है और उसे बहुत भूख लगी है। कम फास्ट बेटा, आई डोंट हैव टाइम आल्सो। और अक्षय का शर्ट भी प्रेस करना है, कर लेना प्लीज। बेटा तुम ठीक हो ना? आई एम ओके चाचू, थैंक्स। अपने आप पे इतना गुस्सा आ रहा है ना, आई डोंट नो व्हाई उसके सामने कभी अपना मुंह नहीं खोल पाता। डर लगता है दैट वन डे my resentment towards myself will be more than what I even have for him. You know Kabir, I feel exactly the same. aisa lagta hai jaise ki my own mom just hates me. par kuch bhi ho unke samne kabhi kuch nahi keh pati. I feel so drained. आज उस स्टुपिड रवीश से मिलने जाना है, पर नहीं जाना। As always, I don't have a say. Sometimes I really wonder कि क्या कभी कुछ चेंज होगा? Will I actually ever have the courage to stand up for myself? Courage. Courage reminds me of something जो मेरी मॉम कहा करती थी। Courage is a choice.
ऐसे जाने का प्लान है? No wonder बार बार रिजेक्ट होकर आती है. Where's something bright, Sara? And get ready fast. You can't keep her waiting. मैं कैंसिल कर दिया मैंने प्लान. कैंसिल कर दिया मतलब? मुझे नहीं मिलना रवीश को. एक्चुअली मुझे मुझे अभी किसी से नहीं मिलना. आई डोंट थिंक आई एम इंटरेस्टेड टू गेट मैरिड फॉर नाउ. नॉट इंटरेस्टेड इन गेटिंग मैरिड फॉर नाउ? व्हाट इज रॉन्ग विद यू? तो किस चीज में इंटरेस्टेड? नहीं बता मुझे, क्या करना चाहती हो तुम? आई एम जस्ट सेइंग कि मुझे लगता है मुझे थोड़ा और टाइम लेना चाहिए एंड शायद मैं रेडी नहीं हूँ. एंड इट्स माई लाइफ. कैन आई मेक सम डिसीजंस ऑन माई ओन? वाह. और हमारी लाइफ का क्या? हमारे डिसीजंस का क्या? पूरी जिंदगी गुजार दी तुम दोनों को बड़ा करने में. हमारी खुशी के लिए तो कुछ करना ही नहीं है. बच्चे होते ही हैं सेल्फिश. I don't want to be your puppet. If that's what makes me selfish, तो who am I selfish? मैंने तुम्हें पपेट बनाया? पता है कितने सैक्रिफाइसेस किए तुम दोनों के लिए? इतने साल बीजी को हैंडल किया, आसान था? पापा की जॉब छूट गई, क्या कुछ करना पड़ा घर चलाने के लिए, तुम दोनों के फीस भरने के लिए. बट लुक एट दिस, नो ग्रैटिट्यूड. बस कह दिया आई एम सेल्फिश. मैं सिर्फ बाय प्रोडक्ट थी मम्मा. सब कुछ आपने अक्षय के लिए किया और ये आप जानती हैं. आई वॉज द ब्राइडर वरना तो फिर उसको क्यों भेजा इंटरनेशनल स्कूल? वो कुछ भी करे उसको कोई कुछ नहीं कहता. वाई? आपने हमेशा बेटा और बेटी में फर्क किया है कि नहीं किया? क्योंकि बेटा और बेटी में फर्क होता है. मेरी माँ ने भी किया, मेरे भाइयों और मेरे में भेदभाव किया. इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो मुझे प्यार नहीं करती थी. आई मीन मेरी माँ थी, ऑब्वियसली शी लव्ड मी. हमने कभी क्वेश्चन नहीं किया. कैसा प्यार है ये जो इतना हर्ट करे कि आपको लगे कि आप पैदा ही क्यों हुए थे? गो गेट रेडी. नहीं जाना है मुझे. मुझे अपने पैसे वापस चाहिए. मुझे अपने पैसे वापस चाहिए. क्या कर रहा है? मैंने कहा मुझे अपने पैसे वापस चाहिए. यू नो जब मॉम मरी ना मुझे दुख हुआ, पर मैं बहुत खुश भी था क्योंकि वो आपसे दूर हुई. एंड आप कहते हो ना कि मैं बिल्कुल अपने मॉम जैसा हूं. हाँ मैं हूं अपने मॉम जैसा. एंड आई एम प्राउड अबाउट दैट. आई एम प्राउड कि मैं आप जैसा मॉन्स्टर नहीं हूं. बट एक चीज अलग है मेरे और मॉम के बीच. उसने सब कुछ बर्दाश्त कर दिया, मैंने करूंगा.
टॉय है। यू नो, बचपन से यहां बैठना अच्छा लगता है। ऐसा लगता है जैसे कि दुनिया में और भी बहुत सारी जगह है जहां पे रद्दी पड़ी है मेरे दिल के अलावा। यू आर डेफिनेटली नॉट अलोन। और हम जैसे बहुत सारे बच्चे होंगे जिनके पेरेंट्स परफेक्ट नहीं है। लेकिन बच्चों से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो परफेक्ट रहें। यू नो, आई एम रियली जेलस ऑफ यू। तुम आज फिर यू टुक अ स्टैंड फॉर योरसेल्फ एंड आई ट्राइड। और फिर क्या हुआ? बट इट सीम्स लाइक आप कुछ भी कर लो, यू कांट फिक्स सम पीपल। We can't. We can't choose our parents. We can't change our childhood, but अपनी आगे की लाइफ वो तो हमारे हाथ में है। मैं अपने आगे की लाइफ अपने तरीके से जीना चाहती हूँ, पर कभी कभी बहुत डर लगता है। डर सबको लगता है, पर याद है कि मैंने सुबह क्या शेयर किया था, मेरे मॉम का वो डायलॉग। Courage is a choice. It is a choice.